मिले? अरे ना मिले यार। यार अब अम्मा सुखा के आऊंगी। अरे कह दियो गिर गए पैसा कहीं। अजी हाँ यू कह दी ना तो अम्मा मो हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देगी। हेलीकॉप्टर से जब गिराएगी ना, जब अम्मा के धौरे हेलीकॉप्टर होएगा। छत तो हैगी? हाँ यार छत सू तो गिरा सके। बस तो फिर ढूंढ शांति सू। अरे यार कहाँ ढूंढू, पूरी सड़क देख ली मैंने, कहीं ना मिल रहे। अब बेटा ढूंढना तो पड़ेगा ही, चाहे सड़क खोद के ढूंढना पड़े। तो ऐसा कर खुद ढूंढ ले तू। अच्छा बेटा अब मैं इकली ढूंढू? अरे बेटा बहुत सही, संकट आया तो मो इकला छोड़ दिया है। यू तो मो पहले सुई पता, संकट के टाइम पे दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी कोई भी साथ ना आता, साथ तो बस वे ही आवे, संकट मोचन हनुमान जी महाराज। फिर अपने संकट मोचन हनुमान जी से ढूंढवा लियो, मैं ना ढूंढने कतई भी। मैं आखिरी बेर पूछ रही हूँ, ढूंढवाएगा या ना ढूंढवाएगा? मैं ना ढूंढना कतई भी। ठीक है मैं अम्मा से कह दूंगी तेने मेरे हाथ से पैसा छीन लिया और अब कह रहा मेरे ढूंढना। अरे हद है, मैंने कब छीने तेरे हाथ से पैसा? तो पता तेने छीने, मो पता तेने छीने, और संकट मोचन हनुमान जी को पता मैंने ना छीने। पर अम्मा को तो ना पता। मतलब मैं ही फंसूंगा? बिल्कुल तू ही फंसेगा। अब तू तो पैसे ढूंढवाने को मना कर रहा, मैं क्या करूँ, वो तो कहना ही पड़ेगा। तेरी बात पे अम्मा भरोसा करने की ना, और रही बात हनुमान जी की, तो अम्मा ना इतने अच्छे कर्म ना करे जो वे ऊपर से नीचे अम्मा को सच बताने आएंगे, तो तेरा फंसना तो भैया पक्का। मतलब अम्मा के हाथ से डंडा खाना पक्का है? बेटा यही मारे कह रही हूँ, ढूंढवा ले शांति तू, ढूंढ चल, यहीं कहीं पड़े होंगे। क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है, कुछ खो गया क्या? ना ना बस ऐसी रास्ते के गड्ढे गिन रही हूँ। क्यों? उन गड्ढन में पानी भर के डुबकी मारूंगी। इरे तू जाना यार, अपने काम से काम रख। अजीब है, सड़क के गड्ढे में डुबकी मारेगी? ओए तूने आईपीएल देखा? हाँ हाँ मैंने देखा मैंने। ऐसा कर आज शाम को दोनों गैल मिलके देखेंगे। चल ठीक है। बेटा आईपीएल देखने की बात कर रहा, मैंने तो बहुत सारे प्राइज भी जीते हैं, अपना ओपिनियन देखा लोटस 365 पे। अच्छा जी। यहाँ में बहुत सारे सवाल हुए हैं, जैसे कि कौन मैच जीतेगा, कौन टॉस जीतेगा, 50 तरह के क्वेश्चन हुए हैं जिसमें तुम अपना ओपिनियन देके आराम से प्राइज जीत सको। मैंने तो जैसे ही लोटस 365 पे जाकर रजिस्टर किया, तुरंत ही मेरे अकाउंट में 365 रुपए का बोनस आ गया। यहाँ हमें 24 घंटे 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट मिला है, और तो और इसे 10 मिलियन से ज्यादा लोग यूज करें। क्रिकेट के अलावा भी 200 से ज्यादा क्वेश्चन पे अपना ओपिनियन देकर तू आराम से प्राइज जीत सके, वे भी तगड़े तगड़े। बेटा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी, नेहा शर्मा जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मेरी मान जल्दी से रजिस्टर कर दे जाकर लोटस 365 पे, लिंक पिन कमेंट में है। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया, चल मैं इसे आज ही रजिस्टर करता हूँ। ठीक है तब तक ढूंढ रहे हैं, चल। पता नहीं कहाँ रहेगी, 5 मिनट का रास्ता, इतनी देर में तो इंसान 300 बेर जाके आ जावे। आज मांगे राम का भी हिसाब करना। हे भगवान कहाँ करूंगी मैं, यहाँ लौंडिया का कहाँ करूँ? अम्मा, ओ अम्मा। उरे यूं तो मांगे राम घर आगा। अम्मा कहाँ हो? उरे रुक जा, आ रही हूँ। अम्मा रुकने का समय नहीं है। क्यों, तेरे पामन में पहिया लगे? अरे पाँव की तरह धंधे में भी पहिए लगे होते तो धंधा भी बहुत अच्छा चलता। ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा? बहका तो तुम मुझे रही हो बच्चों की तरह। अजी हाँ, आजकल के बालक तो हमें बहका के चले जावे, और तू कह रहा मैं तो बालकन की तरह बहका रही हूँ। और क्या, पहले मुझे बोला 1 तारीख को दूंगी, फिर बोली 25 तारीख को दूंगी, मुझे सीधा सीधा बताओ हिसाब करोगी कब? अगले महीने की 35 तारीख को। अगले महीने की 35 तारीख को? तो 36 सुनाई दिया। पहले तो मुझे ये बताओ तुम पढ़ी कहाँ तक हो तुम? क्यों, अगर 7वीं तक पढ़ी होंगी तो आगे की पढ़ाई तू करवाएगा। अरे अम्मा तुम 35 तारीख बता रही हो ना, इस मारे महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी में तो 28-29 दिन हो गए। तो फिर 35 तारीख क्यों कहा? फालतू बात करेगा तो कहूंगी, जब मैंने तो 25 तारीख की कही तो बस कर दूंगी 25 तारीख को तेरा हिसाब। तो आज ही तो 25 तारीख है, कब करोगी? हाँ हाँ आज ही करूंगी, अभी दिन खत्म थोड़ी होगा। मतलब दिन खत्म होने का इंतजार करूँ मैं? 1.5 महीना हो गया है, 1 पैसा नहीं दिया है। अरे बेटा जब किराएदार किराया ना देंगे तो मैं तेरा हिसाब कैसे करूंगी? अरे मुझे तुम्हें किराएदार से क्या मतलब, जब उधार लेती हो जब सोचा करो ना। ठीक है बेटा आगे से सोच कर ले करूंगी। ऐसा करो अम्मा मेरे हिसाब कर दो, मैं दुकान खुली हुई छोड़ के आया हूँ। तो खुली काहे को छोड़ आया,
कोई चोरी वोरी कर लेगा तो? अरे लड़का बैठा के आया हूँ भाई। अच्छा वो लगा तो ऐसी छोड़ी आया दुकान। दुकान वकान छोड़ो, मेरा हिसाब करो, अब मैं चलूँ। मेरा बेटा बिजली किराए के पैसा लेने गई है, जैसी लेके आ जाएगी मैं खुद आके तेरी दुकान पे हिसाब कर जाऊंगी तेरा। चलो ठीक है, पर ध्यान से आके दे जाना, मुझे दोबारा ना आना पड़े। हाँ चल ठीक है। राम राम अम्मा। राम राम। ए भगवान कहाँ सु दूं, जल्दी आ जा बस यू लौंडिया। ओ सुन, तू जा अंदर, मैं ना जा रहा, मैं ही खड़ा हूँ बाहर। काई को? कहीं अम्मा ने पैसा खोने की बात पे मुंह कूट दिया तो? अच्छा जी, मैं भी तो जा रही हूँ अंदर, मुंह कूट दिया तो? तो तू भाग के बाहर आ जियो। चल ठीक है। हे भगवान बचा लियो मो। आगे तू ला पैसा। अरे बोल कैसे ना रही, मुंह में दही जमा लिया कैसे? कहीं तेने वे रुपया खर्च तो ना कर दिए? अरे कैसी बात कर रही हो यार, 5,000 रुपया कैसे खर्च कर दूंगी मैं है? 10-20 रुपया होते तो सोच भी लेती। उई तो 10-20 रुपया होते तो मो चिंता भी ना होती। ला दे जल्दी रुपया दे, मांगे राम घर पे आ गया तगादा करने, मैं वाका हिसाब करी आऊं। कैसे देऊं? हाथ सुदे और कैसे देगी, मेरे दोरे ना पैसा है? फिर किसके दोरे हैं? पता ना, तेरा नोस पीट तो भेजा पैसे लेने तो किसे पता होएगी? सच सच बताऊं मारोगी तो ना? मैं बता रही हूँ तो गला दाब के मार दूंगी, जल्दी बता दे पैसा कहाँ है। रहन दो फिर ना बताऊं। तेरा क्यों मेरा बीपी बढ़ा रही है? चल ठीक है ना मारने की, बता जल्दी ना, पहले कसम खाओ। मैं तो खा जाऊंगी बता रही हूँ, बता दे जल्दी कहाँ पैसा। ना ना बता रही हूँ जल्दी बता। वे पैसे? हाँ वे पैसा। वे पैसे आगे बोलेगी, वे पैसे खूगे है? कहाँ खूगे? पता ना। अरे नाज पीटी, इरा यू अपना कोमरा सा तोबड़ा लेके काई को आ गई मेरे सामने, रपट काई को ना लिखवाई देने रे मुर्गी। यू लोंडिया मो बर्बाद कर देगी, मो उठा लो राम जी, मार दिया वो। रामा मो माफ कर दो, मैंने ढंग से ही रखे हैं वे पैसा, लेकिन पता ना कैसे खो गए। तुम चाहो तो मो आज रोटी मत ना दियो, पर ऐसे मत ना रो। रोवा मेरा दुश्मन, मैं काई को रोऊंगी ना। अम्मा मेरी गलती है, तुम सवेरे जा रही, तुम्हें ही जान देती मैं, ना मैं जाने की जिद करती और ना वे पैसा जाते। अरे बेटा होनी कुकून टाल सके, जरूरी थोड़ी है मैं जाती तो ना खूते पैसा, कहा पता तब भी खो जाते। तो अब मांगेराम का हिसाब कैसे करोगी? ऐसा करो मैं वहां बता के आ जा रही हूँ कि पैसा अगले महीने ले लियो, ठीक है? ना ना रहन दे, नहीं हूँ कहेगा, एक एक दिन करके बढ़ाते ही जा रहे हैं हम। तो मैं वहां बता दूंगी ना कि मेरे यहाँ 100 रुपया खोए हैं। ना ना वहा लगेगा पैसा ना देने का बहाना बना रहे हैं। फिर अब कहा, मैं संदूक में से पैसा निकाल कर ला रही हूँ। संदूक में से? हाँ मैंने 200-200 रुपया करके जोड़े बुरे बखत को, पर मो कहा पता ही बुरा बखत इतनी जल्दी आ जाएगा। यू ले, नहीं रहन दे, ऐसा कर मैं खुद ही दे आऊंगी, ठीक है? कहीं दोबारा खो गए तो अब तो कल्याण हो जाएगा कतई। अरे यार एक गलती बार बार थोड़ी होएगी, ध्यान से लेकर आऊंगी, टेंशन मत लो। ठीक है ले, ये पूरे 5 देने हैं ना? ना 7 रुपया बचेंगे। ठीक है सुन, 7 रुपया मैसू, 5 का बिस्कुट और 2 की सतमोला ले लियो अपने लिए। ठीक है। यार आज पता ना अम्मा को कहा होगा, अम्मा ने मुंह बिना मारे छोड़ दिया, मैंने पैसे खो दिए तब भी। पता ना कैसे छोड़ दिया अम्मा ने, तो मोहतन लगी तो मार मार के तेरा मुंह सजा देंगी। मुंह खुद ऐसे ही लगा, लेकिन ज्यादा कुछ कह ही ना।
कहाँ रैपट पर रैपट बजा में और कहाँ बिना मारे छोड़ दिया। लेकिन सच बताऊं बहुत बुरा लगा आज मो। अब काय बात का बुरा लग रहा, बुरा तो तब लगता ना अम्मा जब तो कूट देती। अरे यार जब हमारी गलती पे घर वाले मार रहे हैं ना तो बहुत बुरा लगे, लेकिन वासु ज्यादा बुरा तब लगे जब हमारी साफ साफ गलती देखते हुए भी वे हमें कुछ ना कहते और अपने आप परेशान होते रहे। हाँ यार सही कह रही है, पता परसों पापा ने अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल चुराते हुए देख लिया मुझे, फिर भी कुछ ना बोले वो। अब बेचारे कहा कहेंगे, जब खुद के घर में ही चोर पैदा होगा तो मलाल तो होएगा ही। कुछ ज्यादा ना बोल रही तू? हाँ बोल रही हूँ फिर। हाँ तो ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। दफा हो ना, बता काई कुरा। उधार सामान ले जाने के टाइम MDVH का मसाला दे दो, बास मारे चावल दे दो, ये दे दो वो दे दो, जब पैसा चुकाने की बारी आई तो एक एक दिन गिनवाते हैं। मुझे नहीं लगता कि अम्मा पैसे देने आएगी, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, आज अम्मा से पैसा लेके रहूंगा। अरे अंकल कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे घर। मेरे घर काई को? भंडारे का प्रसाद लेने। अरे हमारे घर तो भंडारा ही ना हुआ। अरे उधारी के पैसे मांगने जा रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम एकदम सटीक रखा मांगेराम, जब देखो तब 24 घंटे मांगते ही रहो मांगते ही रहो। अच्छा अगर मेरे उधारी के पैसे महीने के महीने दे दोगे तो मैं तुम्हारे घर मांगने क्यों आऊंगा? अरे कह तो तुम सही रहे हो, पर क्या करूं, मेरी गलती की वजह से अम्मा लेट होगी तुम्हारा हिसाब करने में। सुबह अम्मा जा रही किराए के रुपया मांगने, मैंने कह दी मैं चली जा रही हूँ, मैं गई वो किराए के रुपया ही खो गए मेरे हाथ से। फिर तो तुझे अम्मा ने बहुत पीटा होगा। ना पीटा तो ना अम्मा ने, 500 रुपया संदूक में से निकाल के दे दिए। पर अगर अम्मा को यूँ पता चल जाती ना कि वे 500 रुपया यहाँ मारे खोए हैं क्योंकि मैं उनका एरोप्लेन बना के उड़ा रही, तो बेटा अम्मा मेरी खैर ना करती, कतई भी हड्डी पसली एक कर देती। चल कोई बात नहीं, अब से ध्यान रखना। सड़क के गड्ढे गिन लेगी ना? मैं सड़क के गड्ढे गिनने की गैल गैल गुद्दी नापने का काम भी करूँ ना अब्दू? ऐसा आ तू अपना रास्ता नाप, चल। अंकल 2 किलो नमकीन का पैकेट दे दो। नोट का हवाई जहाज? तो फिर क्या हो गया? बिजली। गलती करी और तुम्हें लगा यार इस गलती पे तो बहुत तगड़ी मार पड़ने वाली है, लेकिन उसका उल्टा हो गया एकदम से। तो अगर ऐसा हुआ हो तो जल्दी से कमेंट में बताओ और वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल। बाकी तुम सबको मेरी तरफ से लव यू।